हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा टीचर्स के रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि त्रिपुरा में यहाँ पे बहुत सारे जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है सिलेक्शन टेस्ट फॉर ग्रेजुएट टीचर 2019। इसके साथ साथ दोस्तों, इसका जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग को एक हेल्प मिल जाएगा कि आप किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि 12 दिसंबर 2018 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाला है और लास्ट है 19 दिसंबर 2018। जिसके साथ साथ यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको 3172। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या डिटेल है जिसको यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर और एजुकेशन बीएड फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ 4 ईयर्स के डिग्री ऑफ BA 8 एंड BSc 8 फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, यहाँ पे आपको एज लिमिट जो है आप लोग 40 ईयर्स तक यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। जो लोग 40 ईयर्स है उन लोग अप्लाई कर, उससे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो लोग SC ST और PWD है उन लोगों के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स के जो कि एज रिलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर किस तरह से होगा उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे 150 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। OMR शीट में आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सिलेबस इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.trb.tripura.gov.in उसमें आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी आपको सेम जो कि वेबसाइट आपको यूज़ करना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग जनरल और OBC है उन लोगों के लिए यहाँ पे 300 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और जो लोग SC ST PWD है उन लोगों के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन जो कि है ऑनलाइन, जिसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन में जाके। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूँगा। और दोस्तों, यही था त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है उसका डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। थैंक यू।